हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। ये एक्चुअली में जो जगह हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं वो बांका से करीब 12 से 13 किलोमीटर आगे है दोस्तों। तो वो जगह का नाम है ओढ़नी डैम। तो हम लोग ओढ़नी डैम के बारे में आप लोगों को बताएंगे कुछ क्या है वहाँ की खासियत, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग वहाँ पर। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं ओढ़नी डैम पे। आप हमारे पीछे साइड देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जगह है और हम लोग चलते हैं आगे डैम की ओर। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशंस की बात करें तो दोस्तों ये बांका से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। जिस जगह का नाम है ये ककवारा एक जगह है, इसी में है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अभी कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, अभी बहुत सारे काम होना बाकी भी है। और ये देख सकते हैं चारों साइड कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। ये हमारा जहाँ पे गाड़ी पार्किंग, ये गाड़ी पार्किंग का ही कुछ चार्ज लेते हैं दोस्तों, 10 रुपया टू व्हीलर्स के लिए है और बड़े वाले फोर व्हीलर्स के लिए करीब 20 रुपया। बस वगैरह है तो आपका 50 रुपया लगेगा, 4 घंटे तक ही रहेगा दोस्तों, उसके बाद फिर से वो चार्ज करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गार्ड भी दिया गया दोस्तों, ताकि वैसे लोग जो यहाँ पर कुछ गलत करना चाहते हैं उनको ये रोका जाए। ये डैम रहा दोस्तों, दिख रहा होगा आपको पानी ही पानी, नाव वगैरह सारा कुछ है। इधर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, ये पुल बन ही रहा है बढ़िया से। इधर में इस साइड में चलना है। ये रहा बोटिंग वगैरह की सुविधा दोस्तों, चलते हैं हम लोग बोटिंग वगैरह करते हैं, पता करते हैं कितना चार्ज लेता है। आप ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वाहन पार्किंग, बट यहाँ पे वाहन आप पार्क नहीं कर सकते हैं, आपको पुलिस के द्वारा पहले ही रोक दिया जाएगा। ये सब बैठने का जगह है, आप आराम से फैमिली के साथ आकर के बैठ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है दोस्तों, ये स्पेशल पर्यटकों के लिए ही बनाया गया है। पहले यहाँ पे माओवादियों का जगह हुआ करता था, बट अब ये डैम बन के काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है ताकि आप कुछ स्नैक्स वगैरह लेना चाहें, कुछ पानी वगैरह लेना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल ही ले सकते हैं। और ये टिकट बांका, ये पर्यटक ओढ़नी डैम टिकट बुकिंग काउंटर, समय दे दिया गया प्रातः 10 बजे से संध्या 6:30 बजे। आप देख लीजिए अच्छे से, चाय, स्नैक्स, कॉफ़ी और मैगी वगैरह जो भी बनवाना चाहें, चाउमीन वगैरह, ये सब सारा कुछ यहाँ पे बनता है, ठीक है। आप बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से यहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलता है। तो हम लोग टिकट लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं वहाँ पे। और भी चीज़ देर खाया है वहाँ पे देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग टिकट कटा के आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा बनाया गया है, आई एम ओढ़नी डैम एट बांका। सो गाइस अभी हम लोग टिकट कटाना है, देख सकते हो टिकट कटाने में कितना सारा भीड़ लगा हुआ है, सभी के सभी लोग आए हुए यहाँ पे टिकट कटाने के लिए। मैं कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ कि उनका कितना चार्ज लग गया है और वो कौन सा बोटिंग में जा रहे हैं। शायद हो सकता है वो पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं, अगर दूसरी बार वो जा रहे हैं तो उनसे पूछेंगे कि पहले और अभी में क्या अंतर है, ठीक है। और टिकट काटने वाले भैया से भी मैं आप चाहूँगा कि आप लोगों के वो कुछ बताए आप लोगों को। तो कुछ भाई ने टिकट कटा लिया है तो उनसे मैं पूछता हूँ, तो आपने टिकट कटा लिया क्या? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। अच्छा रितेश कुमार, कहाँ से आप? यही से। अच्छा ये कैसा लग रहा है ये माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, और टिकट कितना चार्ज लिया गया है टिकट के लिए? टिकट का चार्ज एक टिकट का वैसे अभी 100 रुपीज़ पड़ा है। अच्छा, जो कि एक नॉमिनल सा चार्ज लिया गया जा रहा है। बहुत ही कम चार्ज है
और माहौल तो बहुत ही अच्छा है। और जो आने वाले जो लोग हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? मैं कहूँगा आने वाले लोग जो आ रहे हैं वो यहाँ पे बोटिंग वगैरह का नज़ारा ले, घूमे और अपना बांका प्रोत्साहित करे, ताकि वो आके अपने बांका जिला में ऐसे स्थलों का वो मनोरंजन उठा सके। अच्छा, साथ ही साथ ये आपका फैमिली के साथ भी आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए, बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। तो टिकट आपने दिखाया ना, टिकट दिखाइए। टिकट अच्छा, ये इनके दोस्त का है और दो टिकट लिया गया, आप देख सकते हैं उसमें सारा टिकट में सारा कुछ लिखा हो गया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश हुआ। आपका नाम आकाश, आपका भी फर्स्ट टाइम है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, दोनों फ्रेंड ही हैं। आप दोनों फ्रेंड ही हैं। तो अभी जो टिकट काटने वाले भैया हैं उनसे मैं बात करता हूँ, तो कुछ बताएं भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार। पवन कुमार नाम, तो ये आप कब से ये चालू हुआ बोटिंग का? ये हो गया करीब 7-8 महीने। 7-8 महीने, तब से आप रेगुलर हैं यहाँ पे? हम तो 4 महीने से। आप 4 महीने से, तो पहले और अभी में कितना अंतर हुआ है? डेवलप तो हो ही रहे हैं, बाकी का ये क्या बोल रहे हैं, बाकी दो बोर्ड आए थे पहले, इस टाइम भी अभी न्यू दो बोर्ड आए हैं, बाकी एक बीएफपी है बोर्ड जो कि 3000 में फुल डैम राइड कराते हैं। अच्छा, और सेफ्टी को लेकर क्या है यहाँ पे? सेफ्टी के लिए जैकेट है, एनडीआरएफ टीम का भी ट्रेनिंग सब लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और जो हमारे नए जो दर्शक आने वाले हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? वो आए अपना देखें और इधर का जो एरिया सबसे शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली को लेकर कोई आना चाहते हैं तो? हाँ, भेजिएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो देखा आपने सुना भैया से कि काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने, क्योंकि वो पिछले करीब 6 से 7 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं, और एग्जैक्ट तो वो बताया कि 4 महीने से रह रहे हैं, लेकिन उनके जो दो फ्रेंड थे वो 6 से 7 महीने से रह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने। चाय कॉफ़ी जो बनता है, मैं उन वाले भैया से बात करना चाहूँगा कि वो कितना चार्ज ले रहे हैं। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार है। आपका नाम रुपेश कुमार, तो आप कब से यहाँ पे हैं? 3 महीने से करीब। 3 महीने से, तो 3 महीने में अभी तक में क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? परिवर्तन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और भी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, जैसे अभी हमारे पास फ्री नहीं था, जैसे जैसे गर्मी आ रहा है कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, लोग पहले से ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किस टाइप के लोग, फैमिली लोग आ रहे हैं या वेडिंग दोस्त लोग आ रहे हैं, कौन से लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? टाइम का आदमी पहुँचते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ज़्यादा पहुँच रहे हैं, दोस्त लोग भी आते हैं हमारे यहाँ की व्यवस्था, दाल चाउमीन मोमोज इधर बनता, देख सकते हैं इधर मोमोज चाउमीन सारा कुछ बनता है, टी कॉफ़ी, खाने पीने का व्यवस्था करवा रहे हैं हम लोग, ताकि पब्लिक जो पहुँचे उनको यहाँ कोई असुविधा ना हो, ये सब व्यवस्था हम लोग की तरफ से है। तो भैया ने काफ़ी अच्छा बताया कि टी कॉफ़ी चाउमीन वगैरह रोल जो भी है सारा कुछ आपके लिए उपलब्ध है, तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग बेझिझक आएँ और हम लोग चलते हैं फिलहाल बोटिंग पे। देख सकते हो हम लोग लाइव जैकेट पहन लिए और बोट पे सवार हो गए हैं। हमारे साथ करीब 6 से 7 लोग हैं, वो लोग सभी लोग उस सफ़र का मज़ा लेना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं और हम लोग वापस अब देखते हैं आगे की ओर। काफ़ी ये अच्छा जगह है दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलिंग के साथ, अपने परिवार के साथ बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे और जगह का आनंद ले सकते हैं। अगर आप लोग सबों को काफ़ी अच्छा लगा ये हमारा वीडियो और हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ।